नेशनल हेराल्ड मामले में घिरे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को देश के जाने माने वकील और पूर्व बीजेपी नेता राम जेठमलानी का समर्थन मिला है। जेठमलानी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से केस लड़ना चाहते हैं। जेठमलानी का मानना है कि नेशनल हेराल्ड मामले में घिरी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं किया है, उनके खिलाफ दायर की गई चार्जशीट झूठी है, इसलिए वह उनका केस लड़ना चाहते हैं। करीब चार साल पहले 2012 में केरल तट के पास दो भारतीय मछुआरों की हत्या करने के आरोपी दो इतालवी मरीनों में से एक मरीन मुकदमे की सुनवाई के लिए वापस भारत नहीं लौटेगा। यह जानकारी इटली के सीनेट की रक्षा समिति के प्रमुख ने यह बात कही है। उच्चतम न्यायालय ने लातौर के ब्रेन हेमरेज के बाद सितंबर 2014 में अनुमति दी थी, बाद में वहां उसके प्रवास की अवधि और बढ़ा दी गई। इटली के संवाद समिति ने सांसद निकोला लातौर के हवाले से कहा है कि मासली मिलानो लातौर भारत नहीं जाएगा और सलवा तोरे गिरोनो की इटली वापस लाने के लिए अनुरोध किए जाने की संभावना पर काम किया जा रहा है। दो हजार उन्नीस के चुनाव तक बीजेपी की कमान मौजूदा अध्यक्ष अमित शाह के हाथ में ही रहेगी। इस महीने के आखिरी में अमित शाह का दोबारा बीजेपी अध्यक्ष चुना जाना तय है। आरएसएस अमित शाह के नाम को पहले ही हरी झंडी दिखा चुका है। आरएसएस चाहता है कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के लिए ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष हो जो पीएम का विश्वास पत्र हो। शाह राजनाथ सिंह के बाद 3 साल के लिए अध्यक्ष पद के कार्यकाल को संभाल रहे हैं, जो आने वाले 23 जनवरी को खत्म हो रहा है। इस महीने के अंत में बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव होना है। जनवरी तक 18 राज्यों में चुनाव पूरा हो जाएगा, तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। बीजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में पहले 50% राज्यों में चुनाव होना जरूरी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पठानकोट हमले को लेकर जहां पाकिस्तान से जवाब मांगा है, तो वहीं केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि देश की सुरक्षा में मोदी सरकार फेल हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ये बताए कि आतंकवादी कहां से आए और ये कौन हैं। लालू ने कहा कि पाकिस्तान के साथ साथ मोदी को भी जवाब देना होगा कि कैसे आतंकवादी देश में घुसकर हमला कर रहे हैं। मोदी सरकार देश की सुरक्षा में नाकाम साबित हुई है। अमेरिकी मैगजीन फॉर्च्यून के ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के सीईओ जेफ बेजस को अपने कवर पेज पर भगवान विष्णु के अवतार के रूप में दिखाने पर विवाद हो गया है। अमेरिका में प्रवासी भारतीयों और हिंदुओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। मैगजीन के जनवरी इंटरनेशनल एडिशन में अमेजन के भारत में बिजनेस बढ़ाने पर आधारित एक कवर स्टोरी भी छापी गई है। मैगजीन के कवर पेज पर अमेजन की भारत पर चढ़ाई हेडिंग के साथ बेजस को भगवान विष्णु के अवतार में दिखाया गया है। कवर पर बेजस भगवान विष्णु की ही तरह हाथ में कमल का फूल लिए खड़े हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका में रह रहे हिंदुओं ने भी इसका विरोध किया है और कहा गया है कि मैगजीन के ऐसा करने से उनकी धार्मिक भावनाओं में ठेस पहुँचा है। इस कवर पेज पर सोशल मीडिया पर भी कड़ा ऐतराज जताया जा रहा है, लोग तीखे कमेंट्स कर रहे हैं। मंगलवार को मुंबई में पूनम चड्ढा जोसेफ के बुक द साउलफुल सीकर का अनावरण किया गया, जहां अभिनेत्री कृति सेनन, प्रीति चोपड़ा, आदित्य राव हैदरी, कबीर बेदी समेत कई सितारों ने शिरकत किया। यहां सभी सितारों ने द साउलफुल सीकर के कविताओं को पढ़कर सुनाया, साथ ही यहां कबीर बेदी ने 26/11 में मारे गए शहीदों पर कविताएँ सुनाई। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आज अपने अंतिम स्टेट ऑफ यूनियन भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में हिंसक घटनाओं की कड़ा विरोध जताया, साथ ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने दावा किया कि आतंकी संगठन ISI मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि कट्टरपंथी का संगठन है। उन्होंने ISI को तबाह करने का अपना वादा भी दोहराया। ओबामा ने कहा है कि अगर आतंकवाद हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा तो हम आतंकवाद का पीछा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सेना दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ सेना है। हमारी सेना इतिहास की सबसे ताकतवर आर्मी है। बिहार में गया के शेरघाटी अनुमंडल के ढोबी थाना क्षेत्र का थरपट्टी गांव के समीप नेशनल हाईवे NH2 पर स्थित पेट्रोल पंप में नक्सलियों ने लेवी की मांग नहीं मिलने के कारण पेट्रोल पंप में आग लगा दी है। वहीं नक्सलियों के द्वारा लेवी के लिए तीसरी बार लगातार नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया है।
वहीं पंप पर कर्मचारियों ने बताया कि बाइक पर सवार होकर आए नक्सलियों ने पहले हमला कर उनके साथ मारपीट किया, उसके बाद नक्सली पर्चा लेकर पेट्रोल पंप में आग लगा दी। शबाना आजमी और जूही चावला के अभिनय से सजी फिल्म चौक एंड डस्टर को बिहार सरकार ने प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया है। मंगलवार को ही कैबिनेट की बैठक में सरकार ने पूरे प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री करने का फैसला किया। शबाना आजमी और जूही चावला ने इस फिल्म में जोरदार अभिनय किया है। यह फिल्म 15 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म के लिए दोनों अभिनेत्रियां काफ़ी मेहनत कर रही हैं। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की नकल के आरोप में गिरफ्तार कॉमेडियन कीकू शारदा को जमानत पर रिहा करने के बाद फिर से हिरासत में ले लिया गया है। आज कोर्ट में कीकू की पेशी होनी है। कीकू को हरियाणा के कैथल में 1,00,000 रुपए के मुचलके पर जमानत मिली थी, लेकिन पुलिस उन्हें फिर से हिरासत में लेकर फतेहाबाद ले गई है, जहां उनके खिलाफ इसी तरह का एक और केस दर्ज है। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में पलक का किरदार निभाने वाले कीकू ने एक शो के दौरान राम रहीम की मिमिक्री की, जिसे लेकर उनके खिलाफ ये केस दर्ज हुए हैं। हालांकि कीकू माफी मांग चुके हैं। कीकू पर भारतीय दंड संहिता की धारा 295A तहत 31 दिसंबर को मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने यहां तक कहा है कि सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी उदय सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। यूपी के संबल शहर में वांछित संदिग्ध अभियुक्त की गिरफ्तारी के मद्देनजर पुलिस विभाग द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के चलते थाना हयात नगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी के रूप में अवैध हथियारों का एक बड़ा जखीरा पकड़ा है। साथ ही एक बदमाश को भी गिरफ्तार किया गया है और दूसरे बदमाश को तलाश किया जा रहा है। जानकारी के मद्देनजर ये दो बदमाश इन हथियारों की सप्लाई बदायूं से लेकर मेरठ, मुजफ्फरनगर और हापुड़ सप्लाई करते थे। काफी तादाद में बने अधबने अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं। एसपी अतुल सक्सेना ने पुलिस की इस कामयाबी से खुश होकर हयात नगर पुलिस टीम को 5,000 रुपए नगद देने का ऐलान किया है। जदयू का चुनाव चिन्ह बदलेगा, तीर के बजाय खेत जोतता हुआ किसान, बरगद झोपड़ी या समाजवादी आंदोलन और इस विचारधारा की पुरानी पार्टियों लोकदल समेत अन्य के चिन्हों में से किसी एक को पार्टी अपना सिंबल बना सकती है। मकर संक्रांति के बाद जदयू चुनाव चिन्ह बदलने की दिशा में काम तेज कर देगा। 15 जनवरी को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव समेत अन्य शीर्ष नेता निर्णय करेंगे कि जदयू का नया सिंबल क्या होगा। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह सांसद केसी त्यागी ने यह जानकारी दी है कि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में तीर चुनाव चिन्ह के कारण जदयू को नुकसान हुआ। शिवसेना व झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव चिन्ह जदयू से मिलते जुलते हैं। इस कारण कई विधानसभा क्षेत्रों में कम पढ़े लिखे लोगों ने जदयू के नाम पर दूसरे दलों को वोट दिया। इसे सावधानी बरतते हुए पिछले दिनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी का चुनाव चिन्ह बदलने पर विचार हुआ था। भारतवासियों के हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है मकर संक्रांति। यह पर्व पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। इस त्योहार के बारे में कहा जाता है कि पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तब इस संक्रांति को मनाया जाता है। यह त्योहार जनवरी माह की 14 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन इस साल मकर संक्रांति का यह पर्व 15 जनवरी को मनाई जाएगी, जब सूर्य धनु राशि छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। उसी दिन से सूर्य की उत्तरायण गति आरंभ होने के कारण इसे उत्तरायणी भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के पीछे के इतिहास के बारे में बात करें तो यह भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाते हैं, क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं। अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा जी भागीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा उनसे मिली थी। महाभारत काल के योद्धा भीष्म पितामह भी अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। इस त्योहार को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला में यह पर्व सिर्फ संक्रांति के नाम से प्रसिद्ध है।
पठानकोट पर आतंकी हमले के बाद दबावों से घिरा पाकिस्तान इस मामले में कुछ गंभीर कदम उठाता दिख रहा है। पाकिस्तानी एजेंसी की तरफ से चार शहरों में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के दफ्तरों पर छापे मारे गए हैं। छापेमारी के दौरान कई लोगों के गिरफ्तार होने की बात भी कही जा रही है। खबर है कि आतंकी हमले की जांच के लिए गठित पाकिस्तानी टीम पठानकोट का दौरा भी कर सकती है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में खुफिया एजेंसी ISI के DG सहित कई आला अधिकारी शामिल हैं। बैठक के बाद कार्रवाई की जानकारी दी गई। पाकिस्तान ने बुधवार के जैश ए मोहम्मद के 3 संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मसूद अजहर के कई दफ्तरों को पाकिस्तानी सरकार ने बंद करा दिया है। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू किया गया ऑड इवन फॉर्मूला 16 जनवरी से लागू नहीं रहेगा। दिल्ली सरकार ने इस संबंध में फैसला लिया है। नए साल की पहली तारीख से राजधानी में कारों पर लागू ऑड इवन फॉर्मूले का ट्रायल 15 जनवरी तक होना है। इसके बाद दिल्ली सरकार फॉर्मूले की समीक्षा करेगी। रिपोर्ट के आधार पर ही इसे लागू करने पर विचार किया जाएगा। ऑड इवन फॉर्मूले का ट्रायल खत्म होने के बाद दिल्ली सरकार 17 जनवरी को छत्रसाल स्टेडियम में धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें सरकार की कैबिनेट, एनफोर्समेंट एजेंसियां और ट्रैफिक पुलिस शामिल होगी। इसके बाद 18 जनवरी को फॉर्मूले की समीक्षा के लिए बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक समीक्षा बैठक की रिपोर्ट और फॉर्मूले के असर पर गौर करने के बाद ही इसे लागू करने पर विचार किया जाएगा। पठानकोट आतंकी हमले की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को SP सरविंदर सिंह की गाड़ी से चीन निर्मित वायरलेस सेट मिला है। आतंकवादियों ने सरविंदर सिंह की इसी गाड़ी का इस्तेमाल एयरबस तक पहुंचने के लिए किया था। इस सेट को NTRO CFSL भेजा गया है ताकि मिटाए गए डेटा को वापस हासिल किया जा सके। वायरलेस सेट के डेटा में इस हमले के बारे में कई जानकारी मिल सकती है। पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले को लेकर NIA ने लगातार तीसरे दिन दिल्ली में गुरदासपुर के SP सलविंदर सिंह से पूछताछ की। NIA को शक है कि सलविंदर सिंह के पंजाब के ड्रग्स तस्करों से संबंध है और वो तस्करों को सुरक्षित रास्ता भी मुहैया कराते थे। NIA को ऐसा शक इसलिए हुआ है क्योंकि सलविंदर सिंह के 4 मोबाइल नंबरों में से 2 से तस्करों से बातचीत की गई थी। जिन नंबरों से ड्रग्स तस्करों से बातचीत हुई है उसकी जानकारी SP ने पंजाब पुलिस को नहीं दी थी। देश में पाकिस्तान द्वारा लगातार किए जा रहे आतंकवादी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत होनी है, जिसको लेकर शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि लोग पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहे हैं। वह देश के साथ पठानकोट में शहीद हुए सैनिकों के आत्माओं के साथ धोखा कर रहे हैं। राउत ने कहा कि पाकिस्तान के साथ कार्रवाई की बात तो हमेशा से चलती आ रही है, लेकिन कभी कार्रवाई नहीं होती है। बेशक हरियाणा में प्रथम चरण का पंचायत चुनाव छुटपुट घटनाओं के साथ समाप्त हुआ हो, मगर मतदान के बाद हुए उम्मीदवारों ने जीते हुए नवनिर्मित सरपंचों पर अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर फरीदाबाद में भी जिला परिषद की EVM मशीनों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। NIT स्थित दौलत राम धर्मशाला में बड़खल और सेंट्रल जोन के उम्मीदवारों की मत पेटियां रखी हुई हैं, जिन्हें कमरे में बंद कर सील कर दिया गया है। कमरे के दरवाजे पर 2 पुलिसकर्मी पहरे के लिए तैनात कर दिए गए हैं। इस संबंध में NIT क्षेत्र के SP रामेश्वर लांबा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि EVM मशीनों की सुरक्षा के लिए 2-2 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, पूरी तरह से मुस्तैद होकर मशीनों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। वहीं ACP लांबा ने भी पूरी धर्मशाला के चारों ओर घूम घूम कर अन्य रास्तों का भी निरीक्षण किया और पुलिसकर्मियों को भी सख्त निर्देश दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि इस प्रकार की सुरक्षा 28 जनवरी तक रहेगी। इस सुरक्षा के लिए वह भी समय समय पर